अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज। तो वो दोनों जा रहे हैं, मैं जाने लगी हूँ। एक तो मैंने जाना है लिटल ग्रोसरी करने, ही हफ्ते वाले दिन की वीडियो है, कल की नहीं है। तो सेकंड जाना था लुकमान की गाड़ी, काफ़ी दूर उसने खड़ी की है, तो वो कह रहा था मुझे भी साथ ले जाएं ताकि मैं अपनी गाड़ी वापस ले आऊँ। रात को ना हमारी तरफ ये मसला हो गया है कि पार्किंग मिलती नहीं है, क्योंकि नया नया कारोबार लोगों ने शुरू कर दिया हुआ है। कुछ यूं है कहानी, कुछ यूं है कि एक तरफ की पार्किंग ना किसी ने, जैसे ना तो ठेके पे होता है ना, ठेके से ठेके क्या कहते हैं, ठेके नाल ठेके दी चीज़ें ले लेंगे फिर बाद में किराए पर देते हैं, तो ऐसे उसने भी पार्किंग ले लिया इकट्ठी। तो अब वो ना देता है मंथली 40 यूरो अगर किसी ने किराए पे लेनी है ना अपनी पार्किंग। तो नॉर्मल हमारे पास एक पार्किंग है हमारी गैराज में, तो एक और चाहिए वो लुकमान की गाड़ी। तो हमारे वाली जो पार्किंग है वो फ्री है, लेकिन दूसरी तरफ वाली वो ठेके पे चढ़ गई है। तो हमारी तरफ जो फ्री है वो फुल होती है रात को, जब कहीं आना जाना होता है ना इन्होंने तो बड़ी दूर खड़ी करनी पड़ती है। तो खैर उसको छोड़ा है, वो अपनी गाड़ी से घर वापस जाएगा। तो असी हूँ जावांगे लिडल, और केक में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लीडर के कोल है केक, सी हुन की करके और कोई हुंदी तो मैं उत्थे भी जाना से, लेकिन केक इसलिए जा रही हूँ, जरूरी चीजें लेनी थी अफान के लिए, उसकी सपोर्ट होती है स्कूल में, तो स्कूल उसके लिए ना उसको जैसे होते हैं ना मतलब शॉर्ट, जो शॉर्ट चाहिए छोटे छोटे, और साथ मुझे उसकी टी शर्ट्स वगैरह ना चाहिए थी। तो इधर मैंने देखी थी अखबार, तो यहाँ पे आने तो जो फुटबॉल खेलते हैं बच्चे उनके लिए पूरा पूरा ट्रैक सूट जैसे होते हैं ना वो वाले, तो मुझे ये था कि मैं वही पूरे पूरे ले जाती हूँ बजाय कि मैं टी शर्ट्स और लूँ कलर की और पजामे कहीं और से लूँ, तो बेहतर यही मैंने समझा कि यहीं से मैं लेती हूँ। लेकिन शुक्र अल्लाह का मिल गया मुझे ना 4-5 में ले आई हूँ, अगर किसी को ज़रूरत है ना तो वो यहाँ पे किक पे नॉर्मल आते ही कोई नहीं है, ये पता नहीं कभी कभार आते हैं मुझे लगता है। तो आप लोगों को चाहिए ना, तो आजकल जाके बच्चों के लिए बड़े अच्छे हैं, पूरे पूरे सूट इतने अच्छे हैं, स्टाफ बड़ा अच्छा है, और 5 के उसका जैसे पूरा सूट जो ना ट्रैक सूट पूरा मतलब 10 यूरो का ना, ये समझ लें। तो ये नॉर्मल मैंने ब्लैक और व्हाइट वैसे टी शर्ट ले ली है, तो अभी अंदर चलती हूँ। तो आपको पता है कि कैसी मार्केट है, कि तुम इतने आके ना इधर हाथ मार उधर हाथ मार, तो बगैर तो बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि सस्ती मार्केट होती है थोड़ी सी, तो इसके लिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा चाहिए। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ आज क्या हुआ, कि यहाँ पे मैं नॉर्मल ये था 7:15 का टाइम रात का ना, तो जो आलडी है ना मुझे मुझे नहीं लगता कि वो 9 बजे तक होती है, वो 8 बजे तक ही होती है। मैंने बोला भी इनको, लेकिन ये कह मैंने कहा चलो पहले मैं केक देख लूँ, ये कह रहे नहीं नहीं 9 बजे तक नहीं, 9 बजे तक नहीं। मैं बड़े आराम से यहाँ पे ना एक एक चीज़ को हला हला के चेक कर करके देखती देख रही थी, तो क्या नया आया क्या, क्योंकि ये वाली मार्केट भी ऐसी है ना कि हर हफ्ते नवी चीज़ें आती रहें, तो बंदा फिर जाता है, फिर होता तो है ना टाइम काट के आया, चलो बंदा देख ही जाए कुछ आया तो ले जाते हैं। तो इसी चक्कर में बड़े आराम से कीको अच्छी तरह इसको विजिट किया, जैसे मैं कहती हूँ मैं विजिट करने जा रहा, तो सही तरह तुम तो विजिट मैं मतलब सही विजिट किया तो तुम्हें भी नाल कर आते, लेकिन ये चक्कर से मैनू की नुकसान होया है। ओ बस तुम कुछ ना पूछो, तो अभी मैं आगे जाके अब बताती हूँ, ये ना मैं समझे मैं नहीं बताऊँगी, ऐसे हो नहीं सकता। जो स्टोरी मैंने उस वक्त मतलब ठा करके परेशानी आई ना, मैंने भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी यहाँ से मैं पहले आपको दिखा दूँ कि कुछ आया कुछ नहीं आया, क्या आया नवा की नहीं आया। तो अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी ना फैमिली के जो चल रहे हैं उसके बारे में, आप लोगों ने बड़े अच्छे मतलब मेरी पसंद की वीडियो, उसको लाइक किया शेयर किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वैसे बात कर रही कि आपने बहुत पसंद की यार, जो मैंने थोड़ी छोटी सी मैंने बात की थी वो भी आपको बड़ी अच्छी लगी है कि आप मतलब, तो शुक्रिया बहुत बहुत जी मेहरबानी। तो ये जो है ना ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे, ये आए हैं वॉशरूम के लिए लिक्विड डालने के लिए, तो ये अच्छे हैं 1.5 यूरो का लगे हैं, 2 कलर में, ग्रे में और टी पिंक या पिंक में ना, तो ये मुझे ग्रे मैंने लिया है, ये मुझे अच्छा लगा था क्योंकि मेरा जो वॉशरूम है ना वो ग्रे कलर का है। तो और मैं बर्तनों की तरफ जा रही थी कि यहाँ से कुछ नया आया है तो लूँ, नहीं तो झत झुती मारिए तो अपने बाकी काम करिए, तो बाकी काम की करने ने काम करने तो बड़े ही होंगे ने, लेकिन आपको पता है कभी कभार ना दिल बिल्कुल नहीं करता, तो जब आप बाहर निकलते ना तो बड़े घर काम छड़ के आ जाते, जो बंदा फिरता भी ना घर जमा मायने से करता रहता है कि जाकर ये भी करना है ये भी करना है। तो ये आए हुए हैं मतलब ना बर्फ जो है स्टुक जमाने वाले सांचे जो भी, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ग्रे कलर में मैंने ये लिया क्योंकि ये बहुत बड़ा है, काफ़ी इसके अंदर स्टुक है, और सबसे बेस्ट जो चीज़ है ना अगर आपने ये लेनी तो आप देखा करें नीचे जो है ना वो प्लास्टिक है, या वो एक तो होती सख्त वाली प्लास्टिक, एक होती रबड़ वाली,
अगर बड़ वाली है ना वो ज्यादा सही, क्योंकि उसके नीचे से आप दबाएं और स्टुक जो है ना बर्फ वाले बाहर निकल आते हैं, जो प्लास्टिक है ना उसको ना टूटी के नीचे जाके नवाना पड़ता है, फिर वो उसके स्टुक बर्फ वाले बाहर निकलते हैं। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, ये 2 यूरो का था, काफी इसके अंदर स्टुक जम जाते हैं, वो मैंने ली है। तो अभी जो चीजें लिया है काउंटर पे जा रही हूँ, ये देखिए काफी स्पोर्ट की चीजें, ये देखा ये मैं आपको बता रही थी। तो इसके बाद मैं जाऊंगी आल्टी, तो अच्छा यहाँ पे ना 7:30 से ऊपर टाइम हो गया था, तो इसी चक्कर में नहीं, नहीं 9 बजे 9 बजे हम दोनों ना ऐसे इसी चक्कर में ना बस फिरते नहीं। खैर ये तो गाड़ी में रहे, ये तो आए नहीं, मैं ही फिर रही हूँ। तो जैसे मैं आलडी में घुसी हूँ ना, तो मैं हमने गौर ही नहीं किया कि आलडी में कोई बंदा नहीं है, हम दोनों ही हैं। तो मैं वो वीडियो के चक्कर में, या जारी बात है चीज़ें लेनी होती है बंदे ने देख दू के लेनी होती है, कीमता शिमता वे के सारा हिसाब ला के। तो खैर आल्डी में काफ़ी दिनों के बाद आई थी, मैं लीडर से ना ग्रोसरी करती हूँ ज़्यादातर, तो आल्डी में काफ़ी देर के बाद आई थी, तो इसी चक्कर में ना चलो घूमती फिरती हूँ। सबसे पहले तो नवा महात्मा मरी वाला इलाका, यहाँ पे आके इतना सुकून मिलता है सच्ची में। तो यहाँ पे आके ना बंदा गाना शाना लगा के आराम से काफ़ी लेके बैग गाड़ी में बैठ के ना फिर पिए, तो क्या स्वाद है। चलो इतने साड़ियाँ जी अति बनाते रही है ना, मतलब खलो के गला बाता कर दे रही, इसी वजह से हम काफ़ी लेट हो गए थे, वो लेट भी इसी वजह से कि सानू कड़ा पता से। खैर चलते हैं अंदर, तो मैं आपको जाते बताती हूँ। हम ना इतने दोनों बातों में गुम हो गए, चीज़ों के बारे में ये पूछ रहे थे वो बात कर रहे थे। तो आगे ये बंदे काम करने वाले ना हम इनको ही देख रहे थे, हमें ये था कि जैसे आ रहे हैं ग्रोसरी करने आ रहे हैं, भी हफ्ते है तो सब आए होंगे, तो ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। जैसे मैं फ्रिज वाली साइड पर गई हूँ ना, तो फ्रिज की ठा करके उसने ना वो फ्रिज बंद हो गया, लाइटें भी बंद हो गई। मैं तो सच्ची डरी कि मैं हाय हाय पता नहीं की हो गया। मैं दही उठाने लगी थी, दही जब उठाया ना उस वक्त फौरन उसकी इतनी जोर से आवाज आई, तो मैं फौरन से पीछे हुई, तो में एक बंदा आया कहते बाजी दुकाना बंद हो गई ना, मैं क्या हाय अजे तक कुछ लिया ही नहीं। मैं इनको बोल रही थी, मैं कहा है वो आपको मैंने बोला था 8 बजे दुकान, आप कहते नहीं नहीं 9 बजे है। तो इसी चक्कर में ना मैंने सब्जियां शुक्र अल्लाह काफी चीजें ले ली थी, ये नहीं है तो कुछ मेरी रह गई थी, जैसे अंडे वगैरह चीनी दूध मतलब ऐसी चीजें मेरी रह गई थी, सब्जियां वगैरह मैंने ले ली थी, बच्चों की चीजें ले ली थी। तो जैसे उस बंदे ने मेरी तरफ देखा कि मतलब आप काउंटर पर जाए ना टाइम खत्म हो गया, तो फिर मैंने कहा हाय चलो कोई नहीं, फिर मैं अब मंडे को या नेक्स्ट जो दिन होते हैं ना वहीं पर जाके उस दिन ले लूंगी। खैर देखिए आप वो क्योंकि सब्जियां वगैरह भी तकरीबन सारी खत्म थी, जाहिर बात है हफ्ते वाला दिन, और मैं वैसे भी इतनी लेट गई थी तो कख भी नहीं सी, सब्जी वगैरह तो कुछ इतनी मिली नहीं है, जो मिली थी मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके उठा ली। मुझे जरूरी ये था कि बच्चों की चीजें मैंने शुक्र अल्लाह का कवर कर ली थी ना, कवर क्या करनी है मैं भी आपको दिखाती हूँ, जो मैं आपको बता रही, क्योंकि जिससे बच्चे खुश हो गए थे ना, फिर मेरा जो लेट जाना वो सारा उसके अंदर दब गया, फिर मुझे इतना अफसोस नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे अरफान के लिए एक चीज मिली, एक आफिया के लिए चीज मिली, वो बड़े दिनों के मुझे कह रहे थे मामा ने लेना है लेना है, और जब हम लुकमान को कहते हैं ना आप ऑनलाइन इसका देखें, तो उसने ना आगे से बड़ी मतलब वो चीज़ लेता है, बड़े खरोद खरूद के चीज़ लेता है, इसी चक्कर में ना काफ़ी लेट हो जाती है, खरोद खरूद के मतलब उसकी बड़ी नॉलेज ढूंढता है, इन्फॉर्मेशन लेता है कौन सी सही है कौन सी, इसी चक्कर में हम भी भूल जाते हैं दोबारा उसको कहने में, और वो भी भूल जाते, तो चीज़ रहती 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 रह जाती है, और अफिया फान बिल्कुल भी नहीं भूलते होते, मेरा दिमाग खाते रहते हैं। तो खैर मैं आपको दिखाती हूँ, वहीं पर जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या चीज़ें लगी और क्या नहीं लगी। अच्छा यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें उन्होंने सेल में फेंक दी हुई थी, जैसे ये मुझे छोड़ के आई हूँ मिक्सर 10 यूरो का, ये क्योंकि आलडी लीडर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि मैं यहाँ पे टाइम गुजारती है, मैंने ज़्यादातर ना चीज़ें देखते दूखते मतलब जो मेरी बाकी चीज़ें इसी चक्कर में रहें, क्योंकि मैं आपको बताया आलडी में लेट आई हूँ काफ़ी अरसे के बाद ना, तो फिर तुम्हें पता हर चीज़ फ्रोलनी होती है। अच्छा ये मैंने लिया है इसका स्केटबोर्ड, इसको बड़ा शौक था, तो मैं मुझे डर आता कि हाय बच्चा जाएगा, लेकिन बच्चे बड़े हो गए हम लोगों को लगता है गिर जाएगा, तो मैं ना ऐसे को टपाती आ रही थी कि नहीं लेंगे लेंगे लेंगे, टपदे टपदे आज आल्टी तो ले आई 40 यूरो का, लेकिन बड़ी अच्छी क्वालिटी का मिला मुझे ना, तो आफिया के बेचारे का यही मिला था, मैं कहा यही ले लेने ना होने दे बराबर, लेकिन मज़ा बड़ा आया लेके, तो वो आए थे हम दोनों ने इतना इसके साथ खेला गार्डन में लगा के, तो खैर 10 यूरो का तो पर चीज़ बड़ी कमाल की थी, मज़ा आया सारी फैमिली खेली। दुकान ही ले नहीं।
यहाँ पे मुझे ये वाला स्टैंड भी अच्छा लगा था 20 यूरो का, लेकिन मैं लेके नहीं आई क्योंकि ये कॉर्नर में रखने के लिए होता है और कॉर्नर मेरे सारे फोल्ड हैं। अब कभी चेंज करूँगी तो फिर ऐसी चीज़ें लेके आऊँ, क्योंकि आजकल ये बड़े स्टाइलिश हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, चल भी रहे हैं। तो आइस वगैरह ले ली है, बच्चे खुश थे, ऐसी खुश, बच्चों की चीज़ें आ गई थी, मेरी नहीं आई तो खैर मैं फिर नेक्स्ट दिन मुझे ये था मैं ले आऊँगी जाके ना, गर्मी भी है तो आइस ना हो तो, अगर ना हो तो फिर अफान को होता है मैं अब ना रेवे में चले जाऊँ, मैं यहाँ पे चले जाऊँ, सारा दिन उसका फिर मार्केट में आना जाना लगा रहता है। ये देखिए इतना खुश हुआ था इसको देख के, मैं इसका रिएक्शन ना रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन सच्ची बात है इसको देख ना सारी थकावट सारी जो टेंशन थी दूर हो गई थी। चलो जी इतने मैंने दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी, मुझे मेरी फैमिली को दो में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।